नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी के एक बार फिर से। मैं अल्ताज खान और आज हम बात करेंगे यूपी से जुड़ी हुई सभी मुख्य खबरों की। सबसे पहले नियत डालते हैं सुर्खियों पर। सीतापुर जेल में बंद सपा सांसद आजम खान को सताने लगी रामपुर के विकास की चिंता, जेल से भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में सांड के हमले से हुई मौत, तो सपा सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा, अखिलेश ने किया ऐलान। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में मिले 80 कोरोना के केस, योगी सरकार ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य किया घोषित। योगी सरकार का यूपी पुलिस और पीएसी के कर्मचारियों को न्यू ईयर का गिफ्ट, बढ़ाया भत्ता। पूरे यूपी में कांग्रेस के लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैराथन दौड़ का बजा डंका, नकलों में दौड़ी हजारों बेटियां, योगी सरकार को झटका। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन के कारण बंद किए जा सकते हैं स्कूल, शिक्षा विभाग के नए निर्देश से मिल रहे हैं संकेत। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। तो सीतापुर जेल में बंद सांसद आजम खान को सताने लगी रामपुर के विकास की चिंता, जेल से भेजा प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सीतापुर जेल में बंद रामपुर के सांसद आजम खान अब अपने शहर के विकास की चिंता सताने लगी है। लंबे समय से जेल में बंद सांसद आजम खान की सांसद निधि ऐसे ही पड़ी हुई है। इसको देखते हुए सांसद ने प्रशासन को रामपुर की सड़कें और नालियों के निर्माण में खर्च करने का प्रस्ताव भेजा है। प्रस्ताव में रामपुर शहर की 34 सड़कें व नालियों के निर्माण कराए जाने के लिए कहा गया है। इनके प्रस्ताव प्रशासन को भेजे गए हैं, इसमें शहर की सभी सड़कें शामिल हैं। सपा सांसद आजम खान पिछले करीब 2.5 साल से सीतापुर जेल में बंद है, इसलिए उनकी सांसद निधि का उपयोग भी नहीं हो सका। अब उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव करीब हैं, चुनावी सभाएं होने लगी हैं, राजनीतिक दलों की यात्राएं भी जारी हैं। ऐसे में जेल से ही सांसद आजम खान द्वारा अपनी निधि से 34 सड़कों के बनवाने के प्रस्ताव प्रशासन को भेजे गए हैं। उत्तर प्रदेश में सांड के हमले से हुई मौत, तो सपा सरकार देगी 5 लाख का मुआवजा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि सांडों के हमलों में मारे गए सभी व्यक्तियों के परिवारों को मुआवजा देने का वादा किया है। एसपी ने कथित तौर पर सड़क दुर्घटना में मरने वाले साइकिल चालकों के लिए मुआवजे का भी वादा किया है। पार्टी ने आश्वासन दिया है कि सांडों की लड़ाई में किसी व्यक्ति की मौत होने पर 5 लाख रुपए का मुआवजा सपा सरकार देगी। राज्य विधानसभा चुनाव से महज कुछ महीने पहले सपा ने राष्ट्रीय लोकदल और उत्तर प्रदेश में कई छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन भी किया है। उत्तर प्रदेश में बीते 24 घंटे में मिले 80 कोरोना के केस, योगी सरकार ने यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य किया घोषित। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस फिर से पैर पसारने लगा है। मंगलवार को 5 महीने बाद प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 80 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए यूपी को कोरोना प्रभावित राज्य आज घोषित कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट की माने तो प्रदेश की योगी सरकार कोरोना की नई गाइडलाइन को 1-2 दिन में जारी कर सकती है। यूपी में 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू लग चुका है। कोरोना के नए मामले प्रदेश के कई जिलों में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के 80 नए केस मिले, सोमवार को 40 नए केस मिले थे। कोरोना के सबसे ज्यादा मामले मंगलवार को गौतम बुद्ध नगर से सामने आए हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 28 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं गाजियाबाद में 12, लखनऊ में 11, आगरा में 5, मेरठ और मथुरा में 3-3 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 11 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। योगी सरकार का यूपी पुलिस और पीएसी के कर्मचारियों को नया न्यू ईयर का गिफ्ट, बढ़ाया भत्ता। जय दोस्तों, आपको बता दें कि योगी सरकार ने प्रदेश में निरीक्षक, उप निरीक्षक, लिपिक सनबर्ग, मुख्य आरक्षी और आरक्षी और चतुर श्रेणी पद के कर्मियों को नए साल का तोहफा दिया है। सरकार ने इन सभी कर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 25% का इजाफा किया है। इसके अलावा नागरिक पुलिस व पीएसी के फील्ड ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी पद के कर्मियों को सालाना 2000 रुपये सिम भत्ता देने का फैसला किया गया है। सरकार ने इन सभी कर्मियों के पौष्टिक आहार भत्ते में 25% का इजाफा किया है। इसके अलावा नागरिक पुलिस व पीएसी के फील्ड ड्यूटी पर तैनात उप निरीक्षक, मुख्य आरक्षी तथा आरक्षी पदों के कर्मियों को ये रुपये बढ़ाए गए। सरकार ने बताया है कि निरीक्षक, उप निरीक्षक, लिपिक सनबर्ग को वर्तमान में अनुमान्य भत्ता 1200 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया गया है। मुख्य आरक्षी और आरक्षी को वर्तमान अनुमान्य भत्ता 1500 से बढ़ाकर 1875 रुपये तथा चतुर श्रेणी के कर्मियों को वर्तमान अनुमान्य भत्ता 1350 रुपये से बढ़ाकर 1688 रुपये करने का निर्णय लिया गया है। पूरे यूपी में कांग्रेस के लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैराथन दौड़ का बजा डंगा, नकलों में दौड़ी हजारों बेटियां। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ मैराथन इवेंट जबरदस्त कामयाबी बटोर रहा है। प्रदेश के मेरठ, नोएडा, झांसी के बाद आज नकलों में जोश से लबरेज हजारों लड़कियां इसमें भाग लेने पहुंच गई। सुबह आश्चर्यजनक रूप से सड़कों पर लड़कियां सुबह 6 बजे ही पहुंचना शुरू हो गई। 8 बजे तक ये तादाद हजारों में पहुंच गई। सफेद रंग की टी शर्ट पर गुलाबी रंग से लिखी हुई लड़की हूँ लड़ सकती हूँ पंक्ति आज पूरे नकलों को प्रेरित कर रही थी। मैराथन ऐसे समय में शुरू हुई है जब राजधानी की सड़कों पर स्थानीय निवासी मॉर्निंग वॉक पर थे। हालांकि मैराथन इकाना स्टेडियम में आयोजित की जानी थी। प्रतिभागियों को इस स्टेडियम के चारों ओर 5 किलोमीटर की दौड़ भी लगानी थी। इससे पहले कांग्रेस इस मैराथन को 1090 चौराहे पर आयोजित करना चाहती थी, जिसकी अनुमति योगी सरकार ने नहीं दी थी।
दरोगा भर्ती के लिए प्रदर्शन करने वाले छात्रों पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। उत्तर प्रदेश पुलिस की दरोगा भर्ती परीक्षा दोबारा कराने की मांग को लेकर कंपनी बाग में प्रदर्शन करने वाले लोगों पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। कंपनी बाग चौकी इंचार्ज गोविंद कुमार ने विनय पांडे और उनके साथियों पर कर्नलगंज थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया है। FIR के मुताबिक पुलिस को कंपनी बाग के सुरक्षा गार्ड से सूचना मिली कि 26 दिसंबर को विनय पांडे के नेतृत्व में 100 लड़के गेट नंबर 3 पर दरोगा भर्ती की परीक्षा फिर से कराने के लिए प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो बिना टिकट अंदर प्रवेश करने लगे और गाली गलौज की, गार्ड से धक्का मुक्की की। इस सूचना पर पहुंचे दरोगा गोविंद कुमार ने देखा कि लगभग 200 युवाओं की भीड़ है। छानबीन पर पता चला कि विनय ने एग्जाम क्रैकर के नाम से यूट्यूब पर एक चैनल बनाया और उसी की मदद से प्रदर्शन करने के लिए सभी युवकों को मैसेज किया था। इसी सूचना पर युवक वहां पहुंचे। इसकी किसी अधिकारी को सूचना नहीं दी गई थी। हाईकोर्ट के आदेश पर कंपनी बाग में धरना प्रदर्शन करना निषेध है और ऐसा करने पर अब इन सभी छात्रों के ऊपर केस उत्तर प्रदेश पुलिस ने दर्ज किया है। ओपी राजमन ने किया दावा, यूपी में बसपा खत्म, कांग्रेस में लड़ने का दम नहीं, भाजपा में पीएम मोदी सबसे बड़े झूठ। जब दोस्तों आपको बता दें कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बरेली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान भाजपा पर सबसे बड़ी झूठी पार्टी होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों में सबसे बड़ा झूठ बनने की होड़ है। इसमें प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं, वहीं सीएम योगी दूसरे नंबर पर हैं, अमित शाह तीसरे और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चौथे नंबर पर हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर पिछड़ों को ठगा, मगर अब पिछड़ा समाज जागरूक हो गया है, वह सपा की सरकार बनाकर ही दम लेगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में बसपा खत्म हो चुकी है, कांग्रेस में लड़ने का दम नहीं है, इसलिए जनता भाजपा को बदलकर सपा को लाना चाहती है। उन्होंने सपा के सत्ता में आने की बात भी कही है। प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को दी चेतावनी, दलित लड़की के दोषी को गिरफ्तार करना नहीं तो आंदोलन करेगी कांग्रेस पार्टी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने बुधवार को 29 दिसंबर को योगी आदित्यनाथ सरकार पर अमेठी में दलित लड़की पर हुई क्रूरता को लेकर निशाना साधा। प्रियंका ने कहा कि अगर दलित लड़की की पिटाई करने वाले दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। प्रियंका का यह बयान अमेठी में एक 16 साल की दलित लड़की के साथ हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आया है। इस घटना के वीडियो को ट्वीट पर शेयर करते हुए प्रियंका गांधी ने लिखा कि अगर 24 घंटे के अंदर इस अमानवीय कृत्य को अंजाम देने वाले अपराधियों को नहीं पकड़ा गया तो कांग्रेस जोरदार आंदोलन कर आपको जगाने का काम करेगी। ओमिक्रॉन के कारण यूपी में बंद किए जा सकते हैं स्कूल। जय दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना की दो लहरें झेलने के बाद हर इंसान घबराया हुआ है। विदेश में ओमिक्रॉन के मामले सामने आने के बाद इसका असर शहर के स्कूलों में भी दिखने लगा है। पिछले 10 से 15 दिनों में स्कूलों में छात्रों की संख्या कम होने लगी है। वहीं शिक्षा विभाग भी इसको लेकर सतर्क हो गया है। विभागीय अधिकारियों ने भी स्कूल प्रबंधन को फिर से ऑनलाइन पढ़ाई की शुरुआत करने के लिए निर्देशित किया है ताकि समय पर ही सारा पाठ्यक्रम पूरा किया जा सके और पढ़ाई प्रभावित न हो। सपा से 5 पदाधिकारियों का निष्कासन, पीएम की रैली में हिंसा फैलाने की गई थी साजिश। जय दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की रैली में बवाल कराने की साजिश में शामिल सपा नेताओं से पार्टी ने किराना कर लिया है। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर 5 पदाधिकारियों को पार्टी से निष्कासित कर दिया है। पार्टी की ओर से जो आदेश जारी हुआ है उसे लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि निष्कासन की कार्रवाई में जिन 5 पदाधिकारियों को शामिल किया गया है उसमें से 2 के नाम पुलिस रिकॉर्ड में नहीं है, जबकि 2 जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया है उन्हें लेकर चुप्पी साध ली गई है। सपा के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर इमरान ने बताया कि बुधवार को मीडिया में प्रकाशित खबरों की कटिंग उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को भेजी थी। इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उनसे फोन पर पूरी घटना की जानकारी ली। राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष ने सचिन केसर बानी, अंकुर पटेल, अंकेश यादव, सुकांत शर्मा और सुशील राजपूत को पार्टी से निष्कासित किया है। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने सभी राजनीतिक दलों के साथ लखनऊ में की बैठक, VSP ने रखी समय से चुनाव कराने की यूपी में मांग। जदोसो आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी और माहौल परखने मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा अपनी टीम के साथ 3 दिन के दौरे पर लखनऊ पहुंचे। लखनऊ पहुंचने के कुछ देर बाद ही टीम ने अपने काम शुरू कर दिए। निर्वाचन आयोग की टीम ने योजना भवन में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस तथा अन्य दलों के नेताओं के साथ भेंट की। बसपा ने चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपा। बसपा ने उत्तर प्रदेश में समय पर चुनाव कराने की चुनाव आयोग से मांग की। इसके साथ ही ज्ञापन में इन दिनों राजनीतिक रैलियों में आ रही भीड़ का भी किया गया। राष्ट्रीय लोकदल के प्रतिनिधित्व मंडल ने निर्वाचन आयोग से VVPAT पर्ची की दोबारा से गिनती कराने की मांग की। राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों की मांग पर VVPAT की 50% पर्ची की गिनती कराने की शर्त रखी। इसके साथ ही पार्टी की मांग है कि संविधान विरोधी बयानों पर उत्तर प्रदेश में रोक लगनी चाहिए। उन्नाव में अखिलेश ने कहा, झूठी है भाजपा, मैंने किया था कानपुर मेट्रो का शिलान्यास।
चुनावी तैयारियों को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव का चुनावी रथ मंगलवार को उन्नाव पहुंचा। यहां पर वोटरों को लुभाने के लिए अखिलेश यादव ने कई ऐलान किए। उन्नाव के जीआईसी मैदान में सभा में अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो कानपुर से उन्नाव तक मेट्रो चलेगी। अखिलेश ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि कानपुर मेट्रो का शिलान्यास मैंने किया, अब इसका सिरे भाजपा ले रही है। इससे पता चलता है भाजपा कितनी झूठी है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू और कानपुर के सांसद मुरली मनोहर जोशी भी थे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मंगलवार को कानपुर के इत्र व्यापारी पीयू जैन के उनकी पार्टी से किसी तरह के संबंध से इनकार किया और मजाक में कहा कि भाजपा ने गलती से अपने ही व्यवसाय पर छापा मरवा दिया। शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव कर जमकर की नारेबाजी। कहा, जो भर्ती देगा वो वोट लेगा। जय दोस्तों, आपको बता दें कि शिक्षक भर्ती के मामले में बवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में मंगलवार को सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने विधानसभा का घेराव किया। अभ्यर्थी सरकार से वैसे शिक्षा विभाग में 97,000 पदों की नई शिक्षक भर्ती लाने की मांग कर रहे हैं। अभ्यर्थियों के धरने प्रदर्शन के चलते कई घंटों तक नखलऊ का मार्ग भी जो है बंद रहा था। मैं आपको बता दें कि प्रदेश भर से पहुंचे अभ्यर्थियों ने कहा कि सरकार ने 5 साल में वैसे शिक्षा विभाग में कोई नई शिक्षक भर्ती नहीं की। जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से शिक्षा मित्रों का समायोजन रद्द होने पर जो पद खाली हुए हैं सिर्फ उन्हें भरा। इसमें जो 17,000 पद खाली रह गए अब उसके लिए फिर से भर्ती का ऐलान किया गया है, लेकिन इन 5 सालों में जो लाखों टीईटी क्वालीफाई हुए उनका क्या? अभ्यर्थियों को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड का लगाकर विधानसभा मार्ग को बंद किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक वे ऐसे ही आंदोलन करते रहेंगे। प्रदेश में 20 लाख से अधिक बेरोजगारों की फौज खड़ी है, ऐसे में 17,000 पदों पर भर्ती से क्या होगा? अभ्यर्थियों ने कहा कि 97,000 भर्ती नहीं होंगी तो वो सड़कों पर ही नजर आएंगे। 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं, अब उन्होंने कहा कि जो सरकार उन्हें जो है नौकरी देगी उसको ही वो वोट देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो भी सरकार बनेगी उससे हम 97,000 शिक्षक भर्ती कराकर ही रहेंगे। तो उत्तर प्रदेश की मुख्य खबरों में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।